कानून का आदर वो भी कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, इसीलिए ईडी को कॉपरेट कर रहे हैं, वो एक प्रोसेस अलग है। पर जिस प्रकार दिल्ली में आतंक मचा रखा है कि पुलिस ने, उसको लेके मुझे एतराज़ नहीं है। पूरे देश, दिल्ली वासियों को, पूरे हमारे कार्यकर्ताओं को, पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है इस बात का। आप हमारा ये हेडक्वार्टर है AICT का, उसमें आपने परसों से 15 लोगों को अलाउ करने के लिए आपने आदेश दिया है। हिस्ट्री के अंदर कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस को आप कौन होते होते हो कहने वाले कि आप 5 लोग जाओगे 15 लोग जाओगे, हमारा ऑफिस है ये। रोक लगा दी गई, आर पुलिस ने हद कर दी, अंदर घुस करके पत्रकारों को भी पीट करके बाहर निकाला, कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया। आज अगर ये चुनाव जीत गए, 2 चुनाव जीत गए हैं, और जिस घमंड और अहम में चल रही सरकार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरे देश के अंदर लोग चिंतित है कि होगा क्या लोकतंत्र का। आज एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के बारे में मैं क्या कहूँ, दुनिया जानती, देश जानता है, उनके हेड ऑफिस को जिस प्रकार से अंदर घुस करके पुलिस ने जो यहाँ पर आतंक मचाया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। पुलिस कमिश्नर को चाहिए उसकी जांच करवाए, किस लेवल पे गलती हुई है, किन्होंने गलती करी है, उनको पनिश करना चाहिए उनको, कि किस लेवल पर क्यों गए अंदर ऑफिस के अंदर, किसने 15 लोगों को अलाउ करने के लिए फैसला किया, ये पुलिस कमिश्नर को जांच करनी चाहिए। और अमित शाह जी को खुद को चाहिए मॉनिटर करें। अमित शाह जी गृह मंत्री के अंदर दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार के अंदर में नहीं आती है, ये आती केंद्र सरकार के अंदर में आती है। तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो कुछ तमाशा चल रहा 3 दिन से, ये कोई नई बात नहीं है। जब कभी कोई आंदोलन करती पॉलिटिकल पार्टी है, करती आई है आज तक हिस्ट्री के अंदर, ये जब जनसंघ था इनकी पार्टी तब भी, बीजेपी बनी तब भी, भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी इन्होंने कई आंदोलन किए होंगे, इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता आंदोलन करना क्या होता है। पर कांग्रेस के राज में कभी ऐसा व्यवहार हुआ है क्या, क्या आप उनके ऑफिस में जाकर के धमा चौकड़ी मचा दो, पत्रकारों को पीट के बाहर निकाल दो, कार्यकर्ताओं को खड़े नहीं रहने दो, और एंट्री में रोक लगा दो? आज AICT के अंदर जाना और अंदर चले गए तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, ये तमाशा मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसमें कोई मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो कानून का राज कैसे रहेगा देश के अंदर। रही नहीं रहेगा तो फिर हर व्यक्ति को कभी न कभी तकलीफ आएगी आएगी। कानून और संविधान से देश चलता है, तब तक तो सब सुरक्षित महसूस करते हैं। जब तक कमजोर होगा वो संविधान कमजोर होगा या आपका कानून का राज कमजोर होगा, तो भुगतना कभी न कभी सबको ही पड़ेगा, कभी किसी को कभी किसी को। तो ये इंतजार मत करो दूसरे के ऊपर आरोप लग गया या बुडेल चल गया है तो आप खुश हो रहे हो, वो बुडेल कभी आपके घर पे भी आ सकता है। अगर बुलेट बुलडोज चलना सही है तो कोई दिक्कत नहीं, वेलकम करो उसको। अगर अन्याय है आज उसके यहाँ होगा, कल आपके ऊपर होगा। तो कानून के राज की भी जुडिशरी की जरूरत क्या है, अगर पुलिस खुद ही फैसला करने लग जाएगी सब कुछ, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जुडिशरी का मतलब क्या रह जाएगा।